हजार गारी रे हजार गारी रंग डलबत दे हब हजार गारी रंग डलबत दे हब हजार गारी रंग डलबत दे हब हजार गारी रे हजार गारी हजार गारी रे हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी। हैप्पी होली आप सभी को। हैप्पी से पहले तो नहीं, कोई भी समारोह होता ही इसलिए है कि वहाँ सब लोग एकत्रित हों। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने रितेश भाई को कि इन्होंने कैसा उत्सव रखा है, होली मिलन समारोह, जिसमें हमारा पूरा परिवार एकत्रित हुआ है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री एकत्रित हुई है। देखिए एक ही फ्रेम में हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी दिख रहे हैं, रितेश जी हैं, पवन भैया हैं, प्रदीप जी हैं, हमारे यश कुमार जी हैं, अयाज भाई हैं, करण पांडे जी हैं, और भी हमारे पूरे इंडस्ट्री के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये जो त्यौहार बनाए गए, मुझे लगता है त्यौहार बना ही इसलिए है कि सभी परिवार के लोग कहीं भी हों त्यौहार में एकत्रित हो जाएं, एक साथ मिले। तो मुझे लगता है कि इसलिए ही ये उत्सव मन रहा है और हम सब भाई एकत्रित होकर के यहाँ पे मिलजुल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गेटअप की बात यह है कि मैं बगल में शूटिंग कर रहा हूँ जहाँ मैं दुल्हा बना हूँ, दो दो दुल्हन वहाँ इंतजार कर रही हैं और मैं रितेश भाई बुलाए तो उन लोगों को कहा कि भाई थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि अब भाई बुलाए मैं जाके आता हूँ, तो इसलिए मैं दुल्हे के गेटअप में आ गया हूँ। दुल्हन दो दो हैं, मधु शर्मा और आम्रपाली दुबे, दोनों लोग हैं। फिल्म का नाम है दुल्हा हिंदुस्तान। हाँ नहीं, वहाँ मंडप लगा है, अगर आप लोग चले तो बाराती बन के शामिल हो सकते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि इन दोनों को भी जाने दीजिए, तो उन्होंने कहा या तो आप जाओ या तो इन दोनों को जाने दो। तो मैं बोला फिर आप इनकी पूरा परिवार है, भोजपुरी का और दुल्हनिया भी रेडी है, तो फिर हाँ और मैं तो शादी पे शादी करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। तो लगभग मेरी हर फिल्मों में दो तीन दुल्हन होती ही हैं। अभी तक 60-70 हो गया है और अभी कंटिन्यू है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। जी जी।